अगर वो मर गया तो वो जम्वाल नहीं हो सकता। वो मर गया हिम्मत। हिम्मत, जम्वाल को हमने मार डाला। रेस्ट अश्योर्ड, अब तुम आजाद हो, जम्वाल से भी और हमसे भी। ओ जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जम्वाल से मेरा छुटकारा हो जाएगा। अब मैं ना जी ये हवाले का काम ही बंद कर दूंगा, वहाँ अपने गांव चला जाऊंगा जी, वहाँ मुर्गियाँ शुर्गियाँ पाल लूँगा। आहो, वैसे तो आपने बहुत मारा जी, पर वैसे आप बहुत अच्छे लोग हो। वैसे कभी अगर आप पंजाब आओ तो वहाँ पे लाडोवाल पहुँच के पूछ लेना मेहंदी का घर कहाँ है, वो सीधे मेरे घर पर ले आएंगे जी। वेलकम है जी। अच्छा बड़े वाले भाव जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बीच वाले भाव जी, अच्छा छोटे वाले भाव जी, एक बार हाथ मिला लो जाए जी। अच्छा जी वेलकम, अच्छा मेहरबानी। ये ना आदित्य, एक बार नेहा के घर चलते हैं, शायद वो नहीं गई हो अभी। उसने लिखा था कि वो जा रही है, शायद
चलो। सर, दादा, दादा ये डैन है, कैनेडियन पुलिस। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। दानिश, सिद्धांत, आरसीओ। सर आप यहां कैसे? नेहा को मिलने आया था। और तुम लोग? हम भी नेहा को ही मिलने आए हैं। इट्स टू लेट, शी इज डेड। क्या? ये नेहा नहीं है। नेहा को किसने हायर किया था? तुमने है, मैंने? यही नेहा है। गाइस, प्रिया की गाड़ी में जो लाश मिली, उस आदमी का नाम हिम्मत मेहंदी था। जो शख्स तुम दोनों के साथ घूम रहा था वो ही जम्वाल था। मेरा नाम तो चीटी है। बाबूजी जम्वाल कब कहाँ क्यों कैसे क्या करता है ये किसी को पता नहीं होता है जी। जम्वाल साहब देख रहा है, जम्वाल किसी को माफ नहीं करता। अगर वो मर गया तो वो जम्वाल नहीं हो सकता। 10 तारीख के प्लान के मुताबिक उसके लिए 2 रुकावटें, आसिफ और इरफान। और उसने दिल्ली में अल्ताफ को दोनों की सुपारी दी और उसी शाम अल्ताफ गिरफ्तार हो गया। आसिफ और इरफान, जमाल के 2 आदमियों ने जमाल से बगावत की थी। 10 तारीख से पहले मुझे उन दोनों को कनाडा जाके मारना था क्योंकि वो 10 तारीख को जमाल का काम खराब करने वाले थे। और उसी रात यहाँ कनाडा में हिम्मत मेहंदी और जमाल का कार एक्सीडेंट हुआ। हमारी एजेंट नेहा जो दोनों का पीछा कर रही थी, जमाल को नहीं जानती थी, सिर्फ हिम्मत को जानती थी। और उसने ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी। आदित्य और शशांक, तुम दोनों यहाँ आए हिम्मत को गिरफ्तार करने के लिए। और गिरफ्तार हो गया जम्वाल। और जम्वाल ने तुम दोनों से वही चीज कराई जो वो अल्ताफ से कराने वाला था। इरफान को तो हमने मारा। लेकिन आसिफ तो सुसाइड नहीं, आसिफ को जम्वाल ने हमारे सामने ही मारा। बंदूक उसने नहीं चलाई तो क्या हुआ? लेकिन उस वक्त आसिफ के सामने हिम्मत नहीं, खुद जम्वाल था। अरे पता था क्यों नहीं है? उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तुम दोनों के आने की खबर उसे पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए नेहा को मार कर उसकी जगह किसी और ने ले ली। 2 देशों के 4 सीनियर ऑफिसर्स को जम्वाल ने अपनी उंगली पर घुमाया। वाकई बहुत बड़ा है जम्वाल। और उसका प्लान क्या है ये कोई नहीं जानता। सारे फोन नंबर्स अगले आधे घंटे में इतनी इंफॉर्मेशन देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। राइडू साहब? जी हाँ सर। पहले 3 नंबर्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सूर्यकांत राइडू के हैं। और अगर ये बात सच नहीं निकली तो मैं सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। ओके, ये फोन मैं टैप करवाता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और सर टीवी देखना मत भूलिएगा। टीवी? ओके। जोसेफ, अल्ताफ को नीचे लेकर आओ। और सुनो, रजिस्टर में एंट्री मत करना। आ,
निकलो। जाओ अल्ताफ, तुम आजाद हो। मैं यहां से टीवी स्टेशन जा रही हूं। ठीक 5 मिनट बाद एक लाइव टेलीकास्ट में मैं ये बयान दूंगी कि तुमने मुझे 5 लोगों के नाम बताए। मैं झूठ बोलूंगी, फिर वो लोग जिनके लिए तुम काम करते हो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर मार देंगे। मेरा झूठ भी पकड़ा जाएगा, लेकिन मरोगे सिर्फ तुम। जाओ, तुम आजाद हो। या एक और रास्ता है, टीवी पर बयान तुम दोगे, फिर तुम्हारी जान बचाने का वादा मैं करती हूं। जल्दी सोचो अल्ताफ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अल्ताफ ने कुछ ऐसे लोगों के नाम बताए हैं जिनकी प्रशासन और सरकार में बहुत इज्जत है। आइए बात करते हैं अदिति कुमार से। अदिति, इस सवाल का जवाब आपको अल्ताफ खुद देंगे। हेलो, ये क्या इंटरव्यू हो रहा है टीवी पर? हेलो 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 सर, हाउ आर यू? किसका नाम बोला? अच्छी तक तो करते हैं। मैंने देखा है। अरे अरे, नाम किसका बोला? अरे सुना यार, मेरा नाम बोला क्या? आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा टेलीफोन टैप हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा नाम बोला। आप चुप रहिए सर। तुम्हारा नाम? प्लीज डिस्कनेक्ट द लाइन। फिर किसका नाम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सर? अरे सब मर जाएंगे इधर। चुप चुप चुप। अरे तुम क्या? लेकिन सर, आप इतनी एश्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि जम्वाल के प्लान में जीत इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है? मरने से पहले रॉय ने बताया था कि उस वर्ड में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। सिगरेट पी तुमने? नहीं। हाँ सर, और क्या कहा था रॉय ने? ज्यादा नहीं, लेकिन एक आदमी का नाम था बिलाल मसूद। ये बिलाल मसूद कौन है? पता नहीं। वॉच दिस। अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, वैसे ही जे दसवां। जे दसवां, ई पांचवा, मतलब 10 मई, ई पांचवा शायद 5 बजे, और टी 20वां। But what's 20? यही तो पता करना है। Give me a second guys, I want to show you something. दस मई 5 बजे मैकमेहोन स्टेडियम में। ये क्या है? इट्स अ फुटबॉल स्टेडियम। लेकिन हाँ, कल 5 बजे 20 से 25 हजार लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वहाँ फेलिसिटेट कर रहे हैं। 25 हजार? सर हमारी फर्स्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 25 हजार लोग मारे जाएंगे। शायद वहाँ पता चले 20 क्या है। मैकमेहोन स्टेडियम का है।
evening and we have a wonderful crowd of 25,000 people already here to enjoy the game. Dilip? McMahon Stadium में आप सबका स्वागत है। भारत और कनाडा के बीच ट्रेड टाइज की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आज की ये शाम एक मैच और उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम। भारत के प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज की इस एक्साइटिंग इवनिंग को आप तक लाने के लिए मैं और रॉजर आपके साथ। Dan, where are you? I'm backstage. थोड़ी देर में फुटबॉल मैच शुरू हो जाएगा, उसके पहले एक कल्चरल शो है। I'll keep you informed. Okay, I'll be in the VIP area. तुम क्या कर रही हो? मेरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। I'm getting late. I'll see you later. Okay. कि उनके देश के प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ ये मैच देखने आए हैं और मैच की शोभा बढ़ा रहे हैं। Yes, of course. And he's just only one of the 50,000 in the stadium right now. And there's also great weather. Yeah, on the coming to the weather, I was talking to some of the guys last night and they said it's a very nice one. But they are nowhere here. They're just watching the match up from the head. सर, नेहा की सीट के नीचे एक रिमोट कंट्रोल मिला है जिससे एक बॉम्ब ट्रिगर किया गया। हाउ मच टाइम सर? 20 मिनट्स। सर, हमें बॉम्ब का साइज पता नहीं, स्टेडियम को इवैक्यूएट करना चाहिए। इम्पॉसिबल। 20 मिनट में लोगों को इवैक्यूएट करना नामुमकिन है। द ओनली वे इज फाइंड द डैम बॉम्ब एंड डिफ्यूज इट। कॉपी दैट सर। डैन, वेयर आर यू? डैन, यस सिद्धार्थ। यहां का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन? सिक्योरिटी, लुक फॉर एडलर। एडलर? हां आदित्य। या तो वही चेक करो। हाँ, कार पार्क में ही होगा। आई एम ऑलरेडी इन द पार्किंग लॉट, डैन। 100%, क्योंकि कल रात से सिक्योरिटी यहाँ बहुत ज्यादा है। तो वही चेक करो, वही ढूंढो, यू गेट इट देयर। ओके ओके, आई विल कीप यू पोस्टेड। हु इज एडलर? या चेक ओवर देयर। हु इज एडलर? आई एम एडलर। लिसन, देयर इज अ बॉम्ब इन द स्टेडियम, वी नीड बैकअप। ओके? या कम विद दैट, आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट। बॉम्ब का कोई पता नहीं। वन सेकेंड, कार नंबर 20। There are four guys looking around for the jeep. सर, सर स्टेडियम में चार आदमी बॉम्ब के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनमें से एक एडलर के पास आया था जिसे हमने कैप्चर कर लिया है, और स्टेडियम में हमने अपने सारे आदमियों को अलर्ट कर दिया है। लेकिन सर, हमें बॉम्ब की लोकेशन इमीडिएटली बदल देनी चाहिए। ओवर एंड आउट। फिर से धोखा हुआ। क्यों, क्या हुआ? ये बम नहीं, बम की फैक्ट्री। फटने खुलेगा नहीं। कितना बड़ा है? Dan, this is C4 TFX H4 insulated bomb. Diffuse होगा? Dan, this is C4. एक ब्लॉक 15 स्टोरी बिल्डिंग को उड़ा के रख सकता है। हमारे पास 10 है। 10। Diffuse होगा? पूरा स्टेडियम, Dan। पूरा स्टेडियम। कितने मिनट बाकी है? 17 मिनट। और इतने कम समय में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। 17 मिनट। डैन, इसे आबादी के एरिया से बाहर ले जाना पड़ेगा। ड्रामेला, 20 मिनट की दूरी है यहाँ से, कोशिश करेंगे। तुम गाड़ी लेकर कार पार्किंग के बाहर आओ। ओके, आई विल मीट यू देयर। लेट्स रॉक। Sit down there. Behave like a good boy.
डैड का कुछ पता चला? पता नहीं सर, भी जवाब नहीं दे रहे। मैं आ रहा हूं। Where's the car? Where's the damn car? मेरे सारे बच्चे इनके पास हैं। ये लोग उन्हें मार डालेंगे। प्लीज डैड, मेरे बच्चों को बचा लो। डैड, मैं स्टेडियम के बाहर आ चुका हूँ। Where are you, Dad? Where are you? Come in, God damn it! I'll check it. What the hell is that? Come in. मेरे पास वक्त बहुत कम है, Dan. Which way do I go? कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? अरे, 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 मैंने किया क्या है? तू ही बता, तूने क्या किया? अरे क्या मतलब क्या आपका? अरे भाई साहब, मैं काम करता हूँ, क्या करके आ रहे हैं मेरे साथ? हाँ? मैं तुम्हें मारते रहता हूँ, और जब तुम थक जाओ, तब बता देना। सिद्धांत सर, come in, सिद्धांत सर, where are you? आदित्य, बिलाल मसूद मिल गया। लगता है वैली तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। ओवर। बता दो। Get the jeep back or I'll blow your head off. आदित्य। Dad, come in. आदित्य, गाड़ी लेकर वापस आ जा। Dad, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है और रास्ते का कोई अता पता नहीं है। आदित्य, गाड़ी लेकर वापस आ जा, वरना ये लोग नए लोग बच्चों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। मुझे वो बच्चे वापस चाहिए डैन, प्लीज डैन। मुझे पता भी नहीं था इसमें ये सब है। मुझे तो सिर्फ गाड़ी चेंज करने के लिए पैसे दिए गए थे। शशांक, गोपो शशांक, सिद्धार्थ की कोई खबर? पर यहाँ एक और प्रॉब्लम है। क्या हुआ? एक और बॉम्ब, सेम साइज। कितने मिनट? 8 मिनट। गाड़ी से रेसिडेंशियल एरिया के बाहर निकलना नामुमकिन है। सड़क के उस पार एक फ्लाइंग क्लब है।
देखो क्या हो सकता है। कॉपी कर। सर, सर पहली गाड़ी अभी तक स्टेडियम में वापस नहीं आई और दूसरी गाड़ी के बारे में भी इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। सर, हमारे ज्यादातर आदमी या तो मारे जा चुके हैं या घायल हैं। मुझे नहीं लगता सर, हमारी दोनों गाड़ियां स्टेडियम में टाइम पर वापस पहुंचेंगी। मिशन फेल्ड सर। आई रिपीट, मिशन फेल्ड। Floor five. Siddharth Dheer, anti-terrorist cell, Delhi. Relax, officer. Himanshu Verma, Canadian Police Special Agent. आपके यहाँ आने की वजह? मैं एक टेररिस्ट की तलाश में हूँ सर। जम्वाल? Yes, sir. हम दोनों को यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। नॉर्थ और साउथ विंग में चेक कर चुका हूँ, लेकिन वो अभी भी इसी फ्लोर पे है। आप ईस्ट जाइए, आई टेक द वेस्ट। ओके सर। हियर यू आर। नाइस मीटिंग यू सर। नाइस मीटिंग। जो मौत तुम हजारों के नाम लेकर आई हो वो अपने साथ ले जा रहा हूं। शशांक, तुम जानना चाहो या नहीं, लेकिन मैं भी प्यार करने लगी हूं तुमसे। जी नहीं सकी पर जान दे सकती हूं तुम्हारे साथ। आप दिल्ली से हो सर? मैं क्यों? नहीं सर, आई स्टडी इन जीवीएस कॉलेज। हमारे टीचर्स कहते थे कि वहाँ हमारे एक सीनियर थे, हिमांशु वर्मा, हु केम एंड जॉइन द कैनेडियन पुलिस फोर्स। सो यू आर फ्रॉम सेंट जेवियर्स? यस सर, मैं दो साल वहाँ पे पढ़ा हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर। एक्चुअली मैं पुलिस वाला बना ही आपके वजह से। गाड़ी पीछे वाले गेट पे लेके आओ फौरन।
कथुरिया साहब याद है सर? कथुरिया सर? हाँ सर, वो जो नाम भूल जाया करते थे। अच्छा वो, हाँ हाँ, चेहरा तो याद है, नाम नहीं। अगली बार उनको मिला तो कहना मैं उनको याद कर रहा था। श्योर सर। और हाँ, उनसे कहना कि अगली बार इंडिया आऊंगा तो मैं उनसे जरूर साथ में चलेंगे सर। कहानी झूठी थी, पकड़ी गए। आदित्य कम इन। यस शशांक। 8 साल के बाद कॉकपिट में बैठा, पता नहीं चला पाऊंगा या नहीं। डोंट बी सिली शशांक, तू मैनेज कर लेगा। चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ आबादी है, इतने कम वक्त में बाहर नहीं निकल पाऊंगा यार, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यू विल मैनेज शशांक, कम ऑन। मैप में एक ही लेक है जो 3 मिनट की दूरी पे है, लेकिन उसके आसपास बिल्डिंग्स और घर हैं। और लेक इतनी छोटी है कि बॉम्ब को गिरा भी नहीं सकते, प्लेन को क्रैश करना ही होगा। ए, पागल हो गया क्या शशांक? अरे बॉम्ब को कहीं पर भी गिरा दे यार, जान के ऊपर थोड़ी हो सकता। लुक नॉर्थ ईस्ट शशांक, लुक नॉर्थ ईस्ट, कैन मोर। डैन, मैंने अभी टेक ऑफ किया, वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे पागल हो गया क्या शशांक? बॉम्ब कहीं पे भी गिरा दे यार। आदित्य ठीक कह रहा है शशांक, ड्रॉप द बॉम्ब। बॉम्ब अगर कहीं भी गिरा दे तो स्टेडियम से ज्यादा लोग मरेंगे। अरे गिरा दे यार बॉम्ब कहीं पे भी यार। क्या तू कूदेगा गाड़ी से अगर तू वैली तक नहीं पहुंचा? नहीं। तू बहुत प्यारा इंसान है। पता, मैं तुझसे इसलिए नहीं चिढ़ता था कि तूने अनु से शादी नहीं की, इसलिए चिढ़ता था कि अनु को तुझसे अच्छा इंसान नहीं मिलता। सॉरी यार शशांक, मैं भी कितना बेवकूफ इंसान निकला, क्या पुलिस वाले शादी नहीं करते क्या? अनु का ख्याल रखना, बहुत प्यारी बच्ची है। ए शशांक, अनु का ख्याल हम दोनों रखेंगे, पागल जैसी बातें मत करो। शशांक डोंट बी क्रेजी शशांक। शशांक, शशांक, फाइंड अनदर लोकेशन शशांक, कोई जंगल होगा, कोई डेजर्ट होगा, इट्स अ ब्लडी ऑर्डर शशांक। कुछ नहीं है सर, सिर्फ ये लेक है, आई नीड योर परमिशन। शशांक डोंट बी क्रेजी शशांक। भैया आप उसे परमिशन मत दीजिए, मत दीजिए। आदित्य बेवकूफ मत बनो। सर आई नीड योर परमिशन। सर आप हमेशा उसे हाँ कहते, आज आपको नाम के नहीं पड़ेगा सर। आदित्य और कोई रास्ता नहीं है। अरे बॉम्ब कहीं पे भी गिरा दे यार शशांक, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? पागलो जैसी बातें मत करो, तुम जानती हो तुम क्या कह रहे हो, हजारों लोग मारे जाएंगे। शशांक ड्रॉप द बॉम्ब। भैया आप उसे परमिशन नहीं देंगे। बेकार की बात मत कर, क्या तू मानेगा? अरे मेरा क्या है यार, मेरे घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा है, ना माँ है ना बाप, जितना प्यार मिल रहा था तुम सबसे मिला यार, तू मेरी चिंता मत कर शशांक। सर वक्त बहुत कम है, आई नीड योर परमिशन नाउ, आई नीड टू गो अहेड नाउ। Is there any other alternative, Shashank? Sidhan, please don't give him the permission. वो तुम्हारा भाई है। नहीं सर, और कोई alternative नहीं है। अरे गिरा दे यार बॉम्ब कहीं पे शशांक, लेकिन तू उस प्लेन से निकल तू उस प्लेन से। सर please. I need your permission now. You can't do that, goddammit. Sir, we have very little time. You can't do that, goddammit. कुछ नहीं है। You can't leave me, Shashank. You can't leave me. Let the people die, Shashank. मैं अकेला हो जाऊंगा बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकता। You can't do this, goddammit. The permission, sir, please. You can't do this. दादा, आज आपको ना क्या नहीं पड़ेगा, सर क्या नहीं पड़ेगा? Don't, Siddhant. Siddhant, don't. दादा, please. जा बेटा. भाई आप उसे परमिशन मत दीजिए. You can't do that. दादा एक बात बोलूं, आप जब बेटा बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपसे एक झूठ बोला था, कभी कभी सिगरेट पी लेता हूं। जन्म में मुझे अपना बेटा बनाकर बुलाना। लव यू दादा। आई लव यू बेटा।